नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण निगम और आप देख रहे हैं सरकारी फार्म्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सरकारी फार्म्स यूट्यूब चैनल में और सरकारी फार्म्स डॉट इन वेबसाइट पे। दोस्तों तो दोस्तों आपने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उसका जो रीओपन ऑनलाइन फॉर्म है वो आ गया है। दोस्तों, यह फॉर्म कब से भरा जाएगा, यह फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब से लास्ट डेट है दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में यही सब जानेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे सरकारी फार्म्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप फ्री ओपन ऑनलाइन फॉर्म 2019-20 सरकारी फॉर्म्स, मेरा जो वेबसाइट का नाम है और चैनल का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। और हाँ दोस्तों, सरकारी फॉर्म्स डॉट इन अपने गूगल ब्राउजर पर सर्च कीजिए दोस्तों, इस पर आपको हमेशा अपडेट रहेंगे दोस्तों इस वेबसाइट पर। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट नेम, यहाँ पर देखिए 9th, 10th, 11th, 12th एंड का जो फॉर्म है वो फिर से भरा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारे डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट का नाम है सरकारी फार्म्स डॉट इन, अपने गूगल ब्राउजर पर सर्च कीजिए दोस्तों, हमेशा रहें अपडेट इस वेबसाइट से दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात किया जाए। जो सबसे पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म आया था भरने के लिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉर ऑल प्री मैट्रिक एंड प्रो पोस्ट मैट्रिक एंड स्नातकोत्तर स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक में दोस्तों देखिए जो फॉर्म स्टार्टिंग हुआ था 1 जुलाई 2019 से हुआ था और जो लास्ट डेट था 10 सितंबर 2019 तक था, जो कि हाई स्कूल 9-10 में जो आप छात्र पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो वो जान रहे होंगे कि दोस्तों 1 जुलाई 2019 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 10 सितंबर 2019 को लास्ट डेट था। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म का 10 सितंबर थी, 10 सितंबर तक ही था। और देखिए हार्ड कॉपी जो जमा करना था दोस्तों 17 सितंबर 2019 तक। और देखिए जो ऑनलाइन करेक्शन का अभी जो डेट है अभी नहीं आया है दोस्तों, नॉट सेटिस्फाइड है। और यहाँ पर देखिए जो पोस्ट मैट्रिक का जो डेट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई 2019 से हुआ था और जो लास्ट डेट है यहाँ पर 10 सितंबर 2019 से हटाकर 10 अक्टूबर 2019 आ गया था दोस्तों। और जो लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म का था 10 अक्टूबर 2019 तक ही। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं हार्ड कॉपी कंप्लीट यहाँ पर 10 सितंबर यानी 10 अक्टूबर 2019 को था है दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन करेक्शन का जो डेट है अभी नहीं आया है दोस्तों, नॉट सेटिस्फाइड है। तो देखिए दोस्तों, जो यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है वो 1 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को नहीं भर पाए हैं दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और इस वेबसाइट पर आइए, इस पर सारा लिंक दिया गया है दोस्तों। जैसा कि अभी तक आईटीआई के छात्र फॉर्म को नहीं भर पाए हैं दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं दोस्तों अभी फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, बीटीसी ये सब अन्य कोर्स जो छात्र हैं दोस्तों, छात्र छात्राएं हैं अभी इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो आया दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है रीओपन हो जाएगा 1 नवंबर 2019 से दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लास्ट डेट अभी नहीं आया है, तो दोस्तों ये सब जैसे आता है तो ये वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, प्रमाण पत्र ये अदर स्टेट के लिए लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड कोई कंपलसरी नहीं है, बैंक पासबुक लगेगा दोस्तों, मार्कशीट लगेगा। जो आप मान लीजिए कि आप 10 में इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 9 का और सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पर देखिए अदर रिवेलेंट डॉक्यूमेंट यानी अदर डॉक्यूमेंट में लगेगा, फीस रिसिप्ट नंबर यानी फीस रसीद नंबर लगेगा, ओके, एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट लगेगा, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो एक लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात किया जाए, यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अदर एग्जामिनेशन
या फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी फॉर फॉलोइंग क्लासेज, दोस्तों देखिए प्री मैट्रिक यानी क्लास 9th एंड 10th को प्री मैट्रिक कहा जाता है, पोस्ट मैट्रिक क्लास 11th एंड 12th को, और दसमोत्तर देखिए यूजी पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज को यहाँ पर दसमोत्तर कहा जाता है। दोस्तों तो अगर प्री मैट्रिक में इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्लास 9 और 10 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक में ऑनलाइन करेंगे, और पोस्ट मैट्रिक में अगर आप क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप पोस्ट मैट्रिक करेंगे। आप 12th से आप ग्रेजुएशन यानी कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप दसमोत्तर में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी का जो लोग सरकार का, और हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए यह फॉर्म जो है सब लोग भरना चाहते हैं दोस्तों स्कॉलरशिप का, तो देखिए दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फ्रेश रेनुअल है यहाँ पर देखिए सब लिंक दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं दोस्तों तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा दोस्तों, आपका स्कॉलरशिप है, आप जो सरकार को मदद करती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए फॉर्म के साथ, और हाँ सरकारी फॉर्म्स डॉट इन वेबसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस पर आप हमेशा अपडेट रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।